अशोकनगर में बीते 4 महीने से चल रहे साइकिल अभियान को अब महिलाओं का साथ मिल गया। कुछ दिन पहले जिले की महिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा इस अभियान से जुड़ी थी। उन्होंने महिलाओं से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया था। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्टर की यह मुहिम रंग लाई है। आज कलेक्टर के साथ महिलाओं का एक बड़ा काफिला साइकिल अभियान में शामिल हुआ। पछाड़ क्लब ने स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर बीती जुलाई माह से साइकिल अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने लोगों को जोड़ने में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रतिदिन सुबह से अब की लगभग सभी सड़कों पर लोग साइकिल चलाते दिख जाते हैं। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह मानी जा रही है कि यहाँ के लोग अब स्वयं ही इस अभियान से जुड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जिले की महिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने इस अभियान को सपोर्ट करने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया था। कलेक्टर ने जिले की महिलाओं को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ की महिलाओं के साइकिल से जुड़ने की अपील की थी। आज कलेक्टर निवास से पवारगढ़ तक करीब दर्जन भर महिलाओं ने साइकिल चलाई। इस दौरान कलेक्टर ने महिलाओं को नियमित साइकिल चलाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिन भर की व्यस्तता के बाद भी महिलाओं को अपने लिए समय निकालना चाहिए, उन्हें अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इतनी बड़ी संख्या में शुरू में ही महिलाएं उनके आह्वान पर इस अभियान में शामिल हुई। साइकिल अभियान में शामिल हुई महिलाओं ने भी इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि शहर की महिलाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य को लेकर वर्कआउट कर सकती हैं। कुछ युवती जिन्होंने लंबे समय के बाद साइकिल चलाई, उन्होंने कहा कि आज साइकिल चलाकर फिर से बचपन याद आ गया। महिलाओं का मानना है कि महिला कलेक्टर द्वारा जिस तरह आगे आकर महिलाओं को मोटिवेट किया है, उससे महिलाओं बिना हिचक के इस अभियान से जुड़ सकती हैं। विधायक जज्जी ने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी बहनें भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही हैं। उन्होंने साइकिल चलाकर पहले ही दिन 5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने पर सभी को बधाई दी। विधायक जज्जी का कहना है कि 4 महीने से लगातार चली आ रही साइकिल मुहिम की सबसे बड़ी सफलता यह है कि लोगों को सब साइकिल चलाने में शर्म या हिचक नहीं है। अब अशोकनगर में साइकिल चलाना बड़े ही गर्व का विषय बन गया है। अशोकनगर से गजेंद्र लोधी की रिपोर्ट। और जिस दिन मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी, उस दिन भी ये कहा था, तो मुझे खुशी है कि मेरे साथ इतने लोग आज हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब भी और लोगों को प्रेरित करेंगी तो अधिक से अधिक हमारी महिलाएं जो स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाती हैं वो जुड़ेंगी और स्वस्थ रहेंगी, जिससे उनका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। यंग गर्ल्स और यंग लेडीज जुड़ी है मेरे साथ, तो मैं भी यंग फील करूँगी। इससे फ़ायदा मुझे हुआ, कई सारे लाभ हुए, दिनचर्या में व्यवस्थित हुआ है, एनर्जी दिन भर बनी रहती है। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सभी को स्वास्थ्य लाभ होगा, तो निश्चित रूप से शहर भी इससे सुदृढ़ होगा और हम लोग अपना कुछ अच्छा जीवन में कर पाएंगे, प्रतिदिन हम अच्छा कर पाएंगे। हमने पछाड़ क्लब में साइकिल अभियान चलाया और सारे मित्रों को काम सलाह करते हमने कहा कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए जिससे हम शहर को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकें और खुद भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कर सकें। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सभी साथी जागे और कलेक्टर हमारे कलेक्टर महोदय ने प्रेरित होते हुए हमारी मुहिम से और खुद ने साइकिल चलाना शुरू किया और आज उसी प्रेरणा से कई महिलाएं ग्रुप में जुड़ी और वो भी पर डे साइकिलिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये अच्छा लगता है कि अपन कोई काम आम जन के हित में यदि कोई शुरुआत करें और उसमें लोग जुड़ें और अप्रिशिएट करें तो मन को सुकून होता है और बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए मैं सारे साथियों का, मित्रों का, आपका भी, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो आप लोगों का रहा है कि आप लोगों ने इस मुहिम को, मुझसे ज़्यादा योगदान मैं समझता मीडिया का है कि मीडिया ने इस अभियान को आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया और जिससे लोग प्रेरित हुए और आज शहर में हम जिधर भी जाएँ बच्चे महिलाएँ नए लोग जुड़ रहे हैं साइकिल के प्रति एक लगा चला रही हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं सबसे आभार हमारे सर का व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से योगा शिविर में जो पवन सिंगल जी हमारे सर हैं वो हम लोगों को सबको जोड़ के रखते हैं, और सुलभ भैया क्योंकि उन्होंने हमें प्रेरित करा कि नहीं आप लोग भी साइकिल चला सकते हो। तो और विधायक जी का तो है ही सही, जिन लोगों ने सब लोगों के लिए साइकिल अरेंज करके और सब लोगों को प्रेरित करा, वो हमारे मतलब उनका बहुत बड़ा आभार है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक हैं और सुबह से हम जल्दी उठ के साइकिल भी चलाते हैं, योगा भी करते हैं और बच्चों को भी संभालते हैं। ये लेडीज़ों के लिए एक प्लस पॉइंट है। लोग ये ना सोचें कि औरतें सिर्फ घर के लिए हैं,
औरतें सिर्फ घर के लिए नहीं है बल्कि बाहर के लिए भी है, अपने आप के लिए भी जीना चाहिए। अपने घर के लिए तो हम हमेशा ही जीते हैं।